तो आज के वीडियो में जानोगे ऑब्सोलीट न्यूट्रोफिल काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना रेड बटन दबा के, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जो भी नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन फ्री में मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फार्मूले के बारे में, आखिर में इसका फार्मूला होता क्या है। तो जो ANC यानी कि ऑब्सोलीट न्यूट्रोफिल काउंट जो फार्मूला होता है वो होता है WBC मल्टीप्लाई न्यूट्रोफिल डिवाइडेड बाई 100। ये एक बेसिक फार्मूला आता है, इसी फार्मूले के थ्रू हम रिपोर्टिंग करते हैं उसका और जो भी रेंज होता है उसको प्राप्त करते हैं। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल के तौर पे ANC का जो फार्मूले के द्वारा हम कैसे वो नॉर्मल रेंज प्राप्त करेंगे, वो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इस सारे बारे में विस्तार में बताने वाला हूँ। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना और वीडियो पसंद है उसको लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, क्योंकि हमेशा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो सपोरेट, मान लो किसी पेशेंट का WBC अगर 8200 है, उसमें न्यूट्रोफिल का रेंज अगर 62 आ रहा है, ये मान लो मैं बोल रहा हूँ, आया नहीं है मान लो, तो डिवाइडेड बाई 100 से जब हम करेंगे तो फार्मूले के द्वारा जैसे मान लो कि 100 के दो जीरो से 8200 का दो जीरो कट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 82 मल्टीप्लाई 62। तो 82 मल्टीप्लाई 62 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा, जो हमें रेंज मिलेगा वो हो जाएगा ऑब्सोलीट न्यूट्रोफिल काउंट का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रेंज मिलेगा वो कितना हो रहा है। तो टोटल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 5084 यानी 5084 टोटल न्यूट्रोफिल काउंट। उसका जहाँ तक नॉर्मल रेंज की जो हम बात करेंगे तो हर लैब में नॉर्मल रेंज अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका नॉर्मल रेंज है वो 1600 से लेके 7000 पर MM3 के बीच में होना चाहिए। अपने अपने लैब का अपने अपने आधार पे अलग अलग नॉर्मल सेट करते हैं। तो ये होता है फार्मूला। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहो और बने रहो हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।